इंसानियत के दुश्मनों का मस्जिद में बुजदिलाना खुदकुश हमला, पेशावर में कयामत सुगरा बरपा, किस्सा खानी बाजार कुचा रिसालदार की मस्जिद में नमाज जुमा की तैयारी के दौरान खौफनाक खुदकुश धमाका, 56 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए, 194 जख्मी, खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज भी आ गई, शलवार कमीज पहने हमलावर पैदल चल कर आया, 9 mm पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ, खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होते ही पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद किया, दूसरे पुलिस एहलकार पर भी फायरिंग करके खुद को धमाके से उड़ा लिया, दोनों पुलिस एहलकार शहीद, 18 शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दे सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारे पास मुकम्मल मालूमात हैं, दहशतगर्द कहां से आए, पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा CTD और एजेंसीज के साथ राब्ते में हूं, पिशावर हमले के तनासुब में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूं। पेशावर का लेडी रेडिंग अस्पताल जख्मियों से भर गया, 194 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दाखिल जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर, पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। नामंजूर नामंजूर, इस्तीफा दो, बिलावल भुट्टो जरदारी का नारा पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का साहिवाल में पढ़ाओ। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को ललकारते हुए कहा, पंजाब के अवाम ने भी गो सिलेक्टेड गो का नारा लगा दिया, जयाले अपना हक छीनना जानते हैं। इमरान ने PTI IMF डील की, मुल्क के अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, अवामी ताकत देख कर कठपुतली की टांगे कांप रही हैं। ये फिल्म इतनी दफा सिंध की आवाम देख चुके हैं कि अब बुलाते हैं, मुफ्त टिकट के दिखाते हैं, लोग देखना नहीं चाहते, कहते क्या देखे। बड़ी साजिशें करने की कोशिश की लेकिन हमेशा पाकिस्तान ऊपर ही गया। जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम है आसिफ जरदारी, आधा तीतर आधा पटेर, मगर खा रहा है जैसे इसके अब्बा ने खाया था ना, और उनको बचा रहा है। खिलाड़ियों का हकूक मार्च सिंध में नॉनस्टॉप, PTI के मार्च का 8वां रोज टंडो जाम में पड़ाव डाल दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार, कहा बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो नाकाम हो चुका, पीपल्स पार्टी की फिल्म 5 मरतबा लुक चुकी है, अब आवाम नहीं देखना चाहते, सिंध के आवाम किसी मसीहा की तलाश में है, बादशाह और सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का नाम आसिफ सरदारी है, तब्दीली की खुशबू सिंध को आजाद कर देगी। वजीर आजम तरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इन एक्शन, इमरान खान का 9 मार्च को कराची के दौरे का इम्कान, दौरा कराची के दौरान NQM पाकिस्तान के मरकज भी आमद मुतबक्के, इतिहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। नून लीग की तहरीक अदम एतमाद पर बैठक, शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, इजलास में नवाज शरीफ, मरीम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्ला, साद रफीक और दीगर भी शरीक थे। हुकूमत गिराने की हिकमत अमली को फाइनल करने पर गौर किया गया।
पैका ऑर्डिनेंस, सहाफती तंजीमों की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजार से पूछा, आपने पैका के सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने पीबीए की दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ न्यूज पेपर एडिटर्स भी दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। सहाफी तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। पैका कानून इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एमेंट का सालाना इजलास। एमेंट के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया और आवाम की आज़ादी को गसब करना है, पैका कानून पाकिस्तान के आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। पैका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में दुल्हा छत से गिरकर जाँ बहक। कोर्ट मैरिज से दो रोज बाद पुरअसरार तौर पर नौजवान इमारत से गिरकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने बेटे को छत से धक्का दिया। पसंद की शादी होने पर लड़की के घर वालों ने बेटी नबील के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस अफसर आमिर ने जमानत होने के बावजूद 50,000 रिश्वत मांगी। दूसरी जाने पुलिस ने मौकफ इख्तियार किया कि नौजवान और उसके वालिद का बयान लेने घर गए। पुलिस के पहुँचने पर नौजवान छत पर गया और नीचे गिर कर जाँ बहक हो गया। पंजाब के आवाम का नारा है गो सेलेक्टेड गो। कठपुतली ने आवाम के मौसी जमहूरी हकूक पर डाका डाला है। पंजाब के आवाम का नारा है गो सेलेक्टेड गो, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो का साहिवाल में अवामी मार्च से खिताब। उन्होंने कहा कि कठपुतली ने आवाम के मुआशी जमहूरी हकूक पर डाका डाला है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रही हैं। सेलेक्टेड और कठपुतली को बताना चाहता हूँ कि ज्याले अपना हक छीनना जानते हैं। वजीर आजम को कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या खुद ब खुद मुस्ताफी हो, असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करे, आमना सामना करे, इलेक्शंस करवाए, हम देखते हैं आवाम किसके साथ, या 5 दिन तक हम तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खुद आपका बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कठपुतली हुकूमत अवामी मार्च से खौफजदा है और हुक्मरानों की टांगे लरस रही हैं। दूसरे को चोर कहने वाले खुद बड़े चोर निकले। तफसील आमिर फारूक की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च खानेवाल से साहिवाल के लिए रवाना। जियालों ने जगह जगह पार्टी चेयरमैन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब से मार्च के शुरका का लहू गरमाए रखा। ये कठपुतली खौफ ज़दा है, डरपोक है, आवाम की ताकत देख के वो बुखला चुका है, टांगे कांप रही है, बनी गाला से चीखे आ रही है। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ हुकूमत के स्कैंडल्स पर भी तनकीद के तीर चलाना ना भूले। हर तबका परेशान है, हर शहरी मुश्किल में है, अब जहां भी देखे मायूसी मायूसी है। आप मेरा सेब के किसानों से पूछे, उनका तो मुआशी कत्ल हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कठपुतली हुकूमत अवामी मार्च से खौफजदा है और हुक्मरानों की टांगे लरज रही हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, खानेवाल।